युग बदलता है और व्यवस्थाएं जर्जर हो जाती हैं। अंततः केवल अहिंसा और अहिंसा पर आधारित वस्तुएं ही चिर अस्थाई होंगी। हम अपने मित्रों और अपनी बराबरी के लोगों से प्रेम करते हैं, परंतु एक निर्दय तानाशाह के प्रति हमारे मन में प्रतिक्रिया हिंसात्मक होने पर भय की और अहिंसात्मक होने पर दया की होती है। अहिंसा भय नहीं जानती। यदि मैं सच्चा अहिंसावादी हूँ तो मुझे तानाशाह पर दया आएगी और मैं कहूँगा कि उसे ज्ञान नहीं है कि मानव को कैसा होना चाहिए। हर हालत में अहिंसा को मुक्ति का साधन बनना चाहिए, परंतु आपकी उसमें जीवंत आस्था होनी चाहिए। आपकी चारों ओर जब घटाटोप अंधेरा हो तब भी आपको आशा नहीं छोड़नी चाहिए। जो व्यक्ति अहिंसा में विश्वास करता है वह जीवंत ईश्वर में विश्वास करता है, वह पराजय नहीं स्वीकार करता। अहिंसा का मतलब है असीम प्रेम, और असीम प्रेम का अर्थ है कष्ट सहन की असीम क्षमता। जिसमें सच्ची अहिंसा की वृत्ति है उसे असहाय महसूस करने की जरूरत नहीं है। हिंसा के आगे असहाय महसूस करना अहिंसा नहीं कायरता है। अहिंसा को कायरता से डगमग नहीं करना चाहिए। आपकी अहिंसक वृत्ति आपको ऐसा बना देगी जिससे उस उदंड व्यक्ति के दुर्व्यवहार को आप पर कोई असर ही नहीं होगा, और फलतः वे अपमानजनक शब्द उसके मुंह तक ही सीमित रह जाएंगे और आप उनसे अछूते रहेंगे।